पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से यह अनुरोध करने के लिए आया हूं कि इस धरती से, इस मिट्टी से और उनकी पुत्री प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा के लिए उनका आह्वान कर रही है, प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रयागराज के लोगों से प्रार्थना करना चाहते हैं कि उनके इस प्रतिज्ञान में कि हम उत्तर प्रदेश के लिए अपने को समर्पित करते हैं, उत्तर प्रदेश में न केवल कांग्रेस को फिर से स्थापित करते हैं, फिर से उसके शीर्ष पर पहुंचाते हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश को भी उसकी लॉस्ट ग्लोरी या हाईजेक ग्लोरी कुछ भी कह लीजिए उसको पुनर्स्थापित करते वक्त में उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, डॉक्टर नहीं, दवा नहीं, आखिर देश का नेतृत्व करने वाला राज्य इस तरीके की स्थिति में आए, ये उचित नहीं, ये इससे सबको बड़ा धक्का लगा है कि बिल्कुल असंवेदनशील सरकार दिखाई दी और जो उत्तर प्रदेश के कल्चर के खिलाफ था। उत्तर प्रदेश एक संवेदनशील लोगों का स्टेट है और यहाँ की संवेदनाओं को कितनी चोट पहुँची होगी उसका मैं अंदाज़ लगा सकता हूँ। ये मैं केवल दो मानवी में और बहुत लंबा चौड़ा उसमें नहीं जाना चाहता, ये दोनों टेस्ट हैं कि किस तरीके से योगी गवर्नमेंट जो है जिस समय लोग परेशानी में थे उस समय नेतृत्व देने में फेल रही है, इसलिए उनको निकाल बाहर करिए। और दो तक हम लगातार देश भर में हार रहे थे, राज्य दर राज्य हार रहे थे, मगर 2002 में हम उत्तराखंड में जीते और उसके बाद एक सिलसिला प्रारंभ हुआ और 2004 आते आते तक देश में कांग्रेस की सरकार बनी, क्योंकि 2002 के बाद जितने भी राज्यों में चुनाव हुए उन चुनावों में कांग्रेस विजयी हुई और उसका परिणाम ये रहा कि 2004 के अंदर हमने दिल्ली में ही सरकार बनाई और सोनिया जी ने एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने। ये बिल्कुल ऐतिहासिक फैक्ट है जिसको आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट पॉलिटिकल इवेंट्स को जो देखेंगे तो आप उससे अंदाज लगा सकते हैं। और आना चाहता हूँ कि वही स्थिति आ रही है, हम उत्तराखंड भी जीत रहे हैं, हम पंजाब जीत रहे हैं, हम गोवा जीत रहे हैं, हम मणिपुर को जीतने की तरफ अग्रसर हैं और पूरा विश्वास है कि हम उत्तर प्रदेश में भी बहुत बहुत अच्छा करें। और मैं समझता हूँ जिसने आज़ादी के इतिहास के साथ इनका लिंकेज रहा हो तो वहाँ की प्रेस जो है कितनी कितनी जागरूक और कितनी दक्ष है। आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि देश के अंदर इस समय प्रतिपक्ष का नेता कोई है जो इस सरकार की आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहा है, इसके इनके फेलियर्स को दर्शा रहा है, चाहे वो GST में हो, चाहे नोटबंदी में हो, चाहे अर्थव्यवस्था के मैनेजमेंट में हो, चाहे बेरोजगारी की तरफ हो, चाहे